गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज आई हैव टॉट यू सेंटेंस काइंड्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सीरीज, नेक्स्ट चैप्टर इज द सेंटेंस टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? अब इनके प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एज फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, द सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। दीज आर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। ये कितने प्रकार के आपके सेंटेंस हैं? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस मींस द सेंटेंस विच कंटेन्स जनरली एन इंफॉर्मेशन, मतलब जब किसी सेंटेंस के बाद कोई सूचना हो, अगर सूचना है दैट इज अफर्मेटिव असर्टिव है, अफर्मेटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स द सेंटेंस विच इज लैकिंग इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके पास सूचना का अभाव है दैट इज नेगेटिव सेंटेंस, अगर सूचना है दैट इज अफर्मेटिव। उसके बाद में बात आती है इंटरोगेटिव एंड दैट इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स द सेंटेंस विच आस्क एनी क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन दिस टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट वन इज वी कॉल इट यस और नो टाइप एंड सेकेंड वन इज WH टाइप। यस और नो टाइप मीन्स द सेंटेंस विच कैन आंसर इन यस और नो, लाइक आर यू आर स्टूडेंट, आर यू आर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन यू कैन आंसर इन यस और नो। इफ समवन इज आस्किंग यू आर यू आर स्टूडेंट, यू कैन से यस, इफ यू आर नॉट यू कैन से नो। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर हम हाँ और ना, यस और नो में दे दें, उनको हम कहते हैं यस और नो टाइप। और जो सेकेंड टाइप होता है उसको बोलते हैं WH टाइप, दैट इज द क्वेश्चन विच यू कांट आंसर इन यस और नो। सपोज इफ समवन इज आस्किंग टू यू हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, दिस क्वेश्चन यू कांट आंसर इन यस और नो। इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें इसीलिए इसको बोलते हैं WH टाइप। WH टाइप मींस ऑल द क्वेश्चन वर्ड्स, जो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस जो फ्रेम किए जाते हैं बाय WH क्वेश्चन वर्ड्स, उनको बोलते हैं इंटरोगेटिव विद WH टाइप। अब इसका थर्ड वन इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, दो सेंटेंसेस विच गिव एनी ऑर्डर एडवाइस सजेशन, दीज ऑल द सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इनको हम हिंदी में आदेशात्मक सेंटेंस बोलते हैं। और आपका जो फोर्थ वन है दैट इज एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। ओके, सपोज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्टली इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस समझ सही यू कम हियर, कोई आपसे कह रहा है यहां आइए, दैट इज कम हियर, सो इट इज ऑर्डर, कोई आपको आदेश दे रहा है कम हियर, शट द डोर, ओपन द विंडो, सच टाइप ऑफ। और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? दीज सेंटेंसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ब, ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस यू एंड दैट इज अंडरस्टूड। इनका सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा रहता है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट, मतलब हृदय में उठने वाली भावनाएं, मतलब सडन फीलिंग्स जो होती है उनको जो शो करते हैं दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। एंड इन दिस वन मोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस
is of creative sentence. Of creative sentence, those sentences which contains any curse, wish or blessing. मतलब जिसमें कोई इच्छा, कोई आशीर्वाद या कोई अभिशाप वो सेंटेंस कंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिव. दैट इज अ पार्ट ऑफ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इनको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. अब आपको करना क्या है, लर्न दीज ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड रिकॉग्नाइज. जैसे असर्टिव में फुल स्टॉप होता है, इंटरोगेटिव में आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, इट मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन मार्क. इंपरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप इन द लास्ट एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देयर मस्ट बी एन एक्सक्लेमेटरी साइन इन द लास्ट. सपोज ओ गॉड, इट इज गॉड, इट इज एन एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, देयर मस्ट बी एक्सक्लेमेटरी साइन. ओके, suppose that it is written how beautiful the flower is and then last exclamatory note, exclamatory sign it must be. Okay, so ये सारे types आपको learn करने हैं, उसके बाद में इन सारे टाइप्स को आगे वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. एंड देन लर्न देम एंड गुड बाय.